कहानी की शुरुआत साल 2045 से होती है। इस समय तक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और वहाँ आसमान में बहुत से आधुनिक गैजेट उड़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगे हैं जिन पर ऑनलाइन गेम्स का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और पूरे शहर के लोग, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, सभी ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं। दरअसल इस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम हैलिडे होता है, उसने एक ऐसा वर्चुअल गेम बनाया था जिसका नाम ओएसिस होता है, जिसमें एक इंसान वो सारी चीजें कर सकता है जो वो वास्तविक दुनिया में कभी नहीं कर सकता। इस गेम में जाने के बाद लोग इसे ही असली दुनिया मानने लगते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जो वो वास्तविक दुनिया में कभी करने की सोच भी नहीं सकते। इस समय ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और लोग हैलिडे को किसी भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को सपनों की एक ऐसी दुनिया बनाकर दी थी जो हर इंसान चाहता था। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक हैलिडे की मौत हो जाती है। पर हैलिडे ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वो बताता है कि उसने ओएसिस गेम में कहीं पर ईस्टर एग छुपा कर रखा है और जो भी प्लेयर उस एग को ढूंढ लेगा वो पूरी ओएसिस कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन उस एग को ढूंढने से पहले प्लेयर्स को 3 चाबियों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ईस्टर एग जिस जगह पे रखा है उसका दरवाजा उन्ही 3 चाबियों से खुलेगा। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और सभी प्लेयर उस एग को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम IOI होता है, वो भी अपने बेस्ट प्लेयर को उस ईस्टर एग को ढूंढने के लिए भेजती है। दरअसल इस समय IOI कंपनी ओएसिस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी होती है और इसलिए वो ईस्टर एग को ढूंढकर ओएसिस कंपनी को जीतकर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है। अब कई साल बीत जाते हैं लेकिन अभी तक किसी को एक भी चाबी नहीं मिली होती है। स्कोर बोर्ड पर अब भी सभी का स्कोर 0 होता है। दरअसल पहली चाबी को पाने के लिए एक रेस को जीतना होगा, लेकिन आज तक कोई भी इस रेस की फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जिसे ओएसिस गेम खेलना बहुत पसंद होता है और वो एक अच्छा प्लेयर भी होता है। अब पहली चाबी को पाने वाला रेस स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए वेड भी अपने गैजेट्स को पहनकर ओएसिस गेम के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके कैरेक्टर का नाम परजीवल होता है। अब रेस स्टार्ट होती है और सभी प्लेयर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी प्लेयर किसी तरह से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन रेस के दौरान उन सबको कई तरह के ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर एलिमिनेट होते जा रहे थे और वो कॉइन्स में बदलते जा रहे थे। अब हम परजीवल को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है और एक समय ऐसा आता है जब परजीवल फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच जाता है और उसे लगता है कि अब वो इस रेस को जीत लेगा। लेकिन तभी एक बड़ा सा गोरिल्ला उसके सामने आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। परजीवल अपने गाड़ी में बैठा ही होता है कि वो देखता है कि आर्टेमिस तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्टेमिस परजीवल की गेम फ्रेंड होती है और कहीं ना कहीं परजीवल उसे पसंद भी करता था। अब इससे पहले कि गोरिल्ला आर्टेमिस को खत्म करता, परजीवल उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे खींच लेता है और अगले ही पल वो गोरिल्ला आर्टेमिस की गाड़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए उसे रिपेयर करवाने के लिए वो दोनों परजीवल के दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम एच होता है। एच कुछ ही समय में आर्टेमिस की गाड़ी को पूरी तरह से ठीक कर देता है, पर वहाँ आर्टेमिस परजीवल से पूछती है कि तुम रुके क्यों। इस पर परजीवल कहता है कि वो गोरिल्ला बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे वो लोग जीत नहीं सकते और यही शायद उस गेम का रूल भी है कि कोई उसे पार नहीं कर सकता। इस पर आर्टेमिस उसे बताती है कि तुम शायद इस बात को भूल रहे हो कि हैलिडे को रूल बनाने से नफरत थी। इसके बाद आर्टेमिस ऑफलाइन हो जाती है और परजीवल भी गेम से बाहर आ जाता है। अब जब परजीवल अपने कमरे में बैठा होता है तो उसे बार बार आर्टेमिस की वो बातें याद आ रही थी जिसमें उसने कहा था कि हैलिडे को रूल बनाने से नफरत थी। इसके बाद परजीवल एक बार फिर से गेम में वापस आता है और वो गेम में बने लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो हैलिडे के जीवन के कुछ खास पलों को देखता है और वहाँ एक वीडियो में वो देखता है कि हैलिडे कह रहा होता है कि उसे अब रूल बनाने से नफरत हो गई है। वो कह रहा था कि हम रेस में हमेशा आगे ही क्यों जाते हैं, क्यों नहीं कभी सारे रूल्स को तोड़कर पीछे की तरफ भागा जाए। ये बात सुनते ही परजीवल को समझ आ जाता है कि रेस में उसे आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाना है। अब अगले दिन जब रेस स्टार्ट होती है तो हर बार की तरह सारे खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन परजीवल आगे ना जाकर अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ तेजी से भगाने लगता है और इससे पहले कि वो पीछे की दीवार से टकरा जाता वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और परजीवल उस रास्ते से होते हुए उस गोरिल्ला के नीचे से फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है और वहाँ पे उसके सामने हैलिडे का गेम कैरेक्टर आता है और वो परजीवल को उसकी पहली चाबी देता है और साथ ही उसे अगले चाबी तक पहुँचने का एक क्लू भी देता है जिस पर लिखा होता है कि एक क्रिएटर जिसे अपनी क्रिएशन से नफरत थी। इसके बाद परजीवल पहले चाबी तक पहुँचने का रास्ता आर्टेमिस और अपने बाकी के दोस्तों को बता देता है। पर जब IOI कंपनी के CEO को ये बात पता चलती है कि कोई परजीवल नाम का लड़का पहला चाबी को हासिल करने में कामयाब हो गया है तो वो भी गेम में आ जाता है और वो गेम के एक खतरनाक कैरेक्टर को परजीवल की रियल आइडेंटिटी पता करने को कहता है जिससे वो परजीवल को रियल लाइफ में मार सके। इधर हम परजीवल को देखते हैं जो एक बार फिर से गेम में वापस आता है और वो आर्टेमिस के साथ दूसरे चाबी तक पहुंचने का क्लू खोजने की कोशिश करता है। वो दोनों उस लाइब्रेरी में और बहुत कुछ हैलिडे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बार हैलिडे कीरा नाम की एक लड़की के साथ डेट पे गया था। कीरा उसके साथ डांस करना चाहती थी पर उन दोनों ने जाकर एक मूवी देखी और हैलिडे की पूरी लाइब्रेरी में कीरा का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है। जरूर इससे उन्हें कोई क्लू मिल सकता है।
वो दोनों वहाँ के डांस क्लब में पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। और इस समय सिचुएशन इतना रोमांटिक होता है कि परजिवल खुद को रोक नहीं पाता है और वो आर्टेमिस को प्रपोज कर देता है और साथ ही वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी भी बता देता है कि उसका नाम वेड है। परजिवल के अपने रियल आइडेंटिटी बताते ही वहाँ पर मौजूद IOI कंपनी के लोग ये बात उस कंपनी के CEO को बता देते हैं और अगले ही पल उस कंपनी के बहुत से लोग वहाँ आ जाते हैं और वो परजिवल पे हमला करने लगते हैं। वो दोनों उन सबसे अकेले लड़ रहे होते हैं और किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए वो उनसे बच नहीं सकते थे। तभी परजिवल अपने पास से एक क्यूब निकालता है जिसकी मदद से वो गेम में 60 सेकंड पीछे जा सकता था और फिर वो दोनों उसकी मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि IOI कंपनी का CEO परजिवल को अपने पास बुलाता है और उसे अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन परजिवल उसके ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि परजिवल को उसकी नीयत का पता था। एक बार अगर वो ऐसी गेम उनके हाथ लग गई तो फिर वो अपने फायदे के लिए पूरे गेम को बदल कर रख देंगे, जो हैलिडे कभी नहीं चाहता था। कंपनी का CEO उससे कहता है कि उसे उसका रियल नाम पता चल चुका है और अगर उसके घर में एक ब्लास्ट हो जाता है तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वो तुरंत भागकर अपने घर की तरफ जाता है, पर तब तक उस कंपनी के ड्रोन्स वहाँ बॉम्ब लगाकर उसके घर को उड़ा देते हैं और उस हमले में उसकी आंटी भी मारी जाती है। ये देखकर परजिवल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने एक लड़की बैठी है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गेम फ्रेंड आर्टेमिस होती है। वहाँ वो उसे बताती है कि उसके डैड ने IOI कंपनी से काफी ज्यादा उधार लिया हुआ था जिसे वो समय से चुका नहीं पाए और उसने सुसाइड कर लिया, इसलिए वो इस गेम को जीतना चाहती है ताकि वो कंपनी किसी और के साथ वैसा ना करे जैसा उसके डैड के साथ हुआ। वहीं बात करते हुए आर्टेमिस को अचानक से एक क्लू मिलता है। वो कहती है कि हैलिडे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार डेट पे गया, वो भी कीरा के साथ, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था पर वो उसे कभी कह नहीं पाया। और कीरा उसके साथ डांस भी करना चाहती थी पर वो कभी उसे डांस के लिए पूछ ही नहीं पाया और इस बात का रिग्रेट उसे मरते दम तक था, इसलिए उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां वो दोनों पहली बार डेट पे मूवी देखने गए थे और अगले चाबी तक पहुंचने का क्लू भी उन्हें उसी मूवी से मिल सकता है। इसके बाद परजिवल आर्टेमिस और अपने दोस्तों के साथ गेम के अंदर लाइब्रेरी में पहुंचता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी मूवीज थी। तभी परजिवल को याद आता है कि पहले चाबी लेते समय उसे एक क्लू मिला था जिस पर लिखा था क्रिएटर जिसे अपनी क्रिएशन से नफरत थी, और इन सभी मूवीज में एक हॉरर मूवी होती है जिसके क्रिएटर को वो कभी पसंद नहीं आई थी और वो सब उसी मूवी के अंदर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे हॉरर क्रिएचर मिलते हैं और वो सब उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह उन सब से बचते हुए वो लोग एक डांस बार में पहुंचते हैं जहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज डांस कर रहे थे और उन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच में कीरा खड़ी होती है। इसके बाद आर्टेमिस किसी तरह से ज़ॉम्बीज से बचते हुए कीरा तक पहुंच जाती है और वो कीरा के साथ डांस करने लगती है। तभी कीरा हैलिडे के रूप में बदल जाती है और वो उसे दूसरी चाबी दे देता है और इस प्रकार परजिवल की टीम को दूसरी चाबी भी मिल जाती है। उधर जब ये बात IOI कंपनी के CEO को पता चलती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने परजिवल के घर में ब्लास्ट करवा कर उसे खत्म कर दिया है, लेकिन वो गलत था। इसके बाद वो अपने लोगों को परजिवल को मारने भेजता है, लेकिन इससे पहले कि वो परजिवल को मारते आर्टेमिस उसे किसी तरह से वहां से भगा देती है और खुद पकड़ी जाती है। अब जब परजिवल भाग रहा होता है तभी एक समय ऐसा आता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है। तभी उसके बाकी के दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उसे उन सबसे बचाकर अपनी वैन में बिठा लेते हैं। वहां वो वैन में ही अपना गेम सूट पहनकर एक बार फिर से गेम के अंदर आ जाता है। गेम में आने के बाद वो किसी तरह से IOI कंपनी के सिस्टम को हैक करके आर्टेमिस को आजाद कर देता है, लेकिन आजाद होने के बाद आर्टेमिस वहां से भागती नहीं है बल्कि वो उस कंपनी के गेम के सिस्टम से जुड़ जाती है जहां उसे पता चलता है कि गेम की तीसरी चाबी एक प्लैनेट पे है जिसका नाम प्लैनेट डूम है और CEO ने इस प्लैनेट के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन कवच लगा दिया है ताकि कोई भी इस प्लैनेट पे जाकर तीसरी चाबी को ढूंढ ना सके, लेकिन आर्टेमिस उस कवच को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड ढूंढने लगती है। और इधर परजिवल गेम के सभी प्लेयर के साथ मिलकर IOI कंपनी के प्लेयर से लड़ने को कहता है ताकि वो लोग ओएसिस कंपनी को उनके पास जाने से बचा सके। परजिवल की बातें सुनकर शहर के सारे प्लेयर साथ मिलकर IOI कंपनी के प्लेयर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सब हमला करके प्लैनेट डूम का कवच को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तब तक आर्टेमिस को उस कवच को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड मिल चुका था और वो उसकी मदद से उसे डीएक्टिवेट भी कर देती है और उसके बाद वो उन्हीं की गेमिंग डिवाइस से कनेक्ट होकर परजिवल की तरफ से लड़ने लगती है। वहां IOI और शहर के सारे प्लेयर के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। ये सब देखकर उस कंपनी का CEO अपना स्पेशल कवच जो एक मेगा गॉडजिला का होता है वो उसे पहनकर गेम में आ जाता है और सारे प्लेयर्स को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी आर्टेमिस अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी तरह से गॉडजिला की आंख में एक बम डाल देती है जिससे गॉडजिला का कवच पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और कंपनी का CEO गेम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पर उसे पता चल जाता है कि आर्टेमिस उसी की कंपनी से कहीं से गेम खेल रही है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता वो वहां से निकल जाती है। अब हम परजिवल को देखते हैं जो अपने पार्टनर के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर गेम होता है जिसे जीतने के बाद उसे तीसरी चाबी मिलेगी, लेकिन वहां पर IOI कंपनी का एक प्लेयर पहले से ही गेम खेल रहा होता है और वो जीत भी जाता है, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है क्योंकि वो गलत गेम खेल रहा था।
अब परसिवल बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उस गेम को ढूंढ लेता है। लेकिन इससे पहले कि परसिवल गेम खेलता, वहाँ पर IOI कंपनी का CEO अपने एक प्लेयर के साथ आ जाता है और वो अब भी परसिवल को रुकने को कहता है और अपनी कंपनी में शामिल होने का उसे एक बार फिर से ऑफर देता है। लेकिन परसिवल जब उसका ऑफर फिर से ठुकरा देता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर एक ऐसा बम ब्लास्ट कर देता है जिससे उस गेम के सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं और परसिवल की टीम का स्कोर भी 0 हो जाता है। ये देखकर वो CEO बहुत खुश होता है। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि गेम में परसिवल अब भी जिंदा है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन थी जिसकी वजह से उसे एक और चांस दिया गया था। अब उस पूरे गेम में सिर्फ परसिवल ही जिंदा था, इसलिए वो आराम से अपना गेम खेलने लगता है और बहुत जल्द उस गेम को पूरा भी कर लेता है। उस गेम को पूरा करते ही उसके चारों तरफ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर उसके सामने हैलिडे का गेम कैरेक्टर आ जाता है जो परसिवल को तीसरी चाबी देता है। लेकिन इससे पहले कि परसिवल तीसरी चाबी लेता, वो नीचे गिर जाता है क्योंकि रियल लाइफ में IOI कंपनी के लोग उसके वैन पे हमला कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस तीसरी चाबी को ले लेता है और वो तीनों चाबी को उनकी सही जगह पे लगा देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ की दीवार गिर जाती है और अंदर बहुत से खजाने पड़े होते हैं। इसके बाद हैलिडे परसिवल को एक पेन देता है और उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है और बताता है कि इस साइन के बाद पूरी ओएसिस कंपनी उसकी हो जाएगी। लेकिन परसिवल साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे हैलिडे की रियल लाइफ की वो घटना याद आती है जब उसने इसी तरह अपने बेस्ट फ्रेंड के कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया था और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसके बाद उसने अपने दोस्त को खो दिया था। परसिवल की बातें सुनकर हैलिडे खुश हो जाता है और उसे ईस्टर एग दे देता है। उधर रियल लाइफ में जब IOI कंपनी का CEO अपनी गन लेकर परसिवल को मारने आता है तो वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि परसिवल के हाथों में ईस्टर एग है और अब परसिवल दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक बन गया होता है। इसके बाद पुलिस उस कंपनी के CEO और उसके बाकी के साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ परसिवल के पास हैलिडे का एक पुराना दोस्त आता है जो उसे एक फाइल पर साइन करने को कहता है ताकि कानूनी तौर पर वो कंपनी उसकी हो जाए, पर वो उस कंपनी के शेयर्स को अपने दोस्तों में इक्वली बांट लेता है ताकि इस कंपनी पे कभी एक आदमी का फैसला ना हो। वो लोग सब मिलकर कंपनी में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि कोई बाहर की कंपनी उस गेम में इंटर नहीं कर सकती थी और इसकी वजह से IOI कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा और उन सब ने वीक के 2 दिन गेम्स को बंद रखने का डिसीजन लिया ताकि लोग अपने रियल लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।